सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हेल्थ वेल्थ होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे चने वाला पुलाव, आप इसको चने की बिरयानी भी बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 किलो मैंने चावल लिए हैं और 3 पाव चने हैं। इनको मैंने 4 घंटे पहले भिगोया था, फिर बॉयल करके रखे हैं। 4 टमाटर और 3 बड़े साइज के प्याज हैं, 2 लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच मैंने ली है ज़ीरा, 2 बड़ी ली है मैंने टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून मैंने ली है सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून ली है काली मिर्च और ये है खुश्क धनिया, ये भी 1 टीस्पून लिया है। तो 2 चम्मच ली है लेमन जूस लिया है सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमारा ही ये तकरीबन 1.5 कप में ऑयल लिया है, सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट, आज हम स्पेशल पुलाव बना रहे हैं जो गरीब और मुस्तहिक बच्चे हैं उनके लिए। ये लहसुन को मैंने 1 मिनट तक फ्राई किया है, भून लिया इसको तेल में। आप प्याज डालेंगे इसमें, प्याज को ब्राउन करेंगे। देखिए भी इस तरह का मैंने ब्राउन कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन किया है कि ताकि हमें थोड़ा कलर चाहिए, मिर्च वैसे हमें नहीं अच्छे लगते हैं। अब इसमें सारे मसाले जाएंगे, इनको मिक्स करते हैं। मैंने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए, अब तकरीबन मैं 3 मिनट तक इसको कवर करूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था, टमाटर भी गल गए हैं और ऑयल अदा हो गया है मसाले से। अब इसमें ऐड करेंगे चने, चने फ्राई करेंगे। चने हमारे अच्छी तरह गल गए, बिल्कुल सख्त नहीं है, गले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट हैं। अब मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह चनों में जज़ब हो जाए और अच्छा फ्लेवर आए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदद ग्रीन मिर्चें और 1 अदद रेड, 2 से 3 चम्मच मैंने लेमन जूस लिया है। आप इसकी जगह अगर ये भी डाल सकते हैं और इमली भी डाल सकते हैं, अगर अलबुहारे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1 मिनट तक और फ्राई करूंगी। अब चने का पानी ये देखिए इसमें ऐड करेंगे, ये 2 बड़े वाले बोल मैंने चावल के लिए हैं और 3.5 में पानी ऐड करूंगी। पूरे मैंने ऐड किए और ये काफ है 3.5 ग्लास, ये चने का पानी भी था। अब इसको करते हैं कवर, जब इसको बॉयल आएगा तो चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने भिगोए नहीं है, अब मैं इनको कवर करती हूँ। देखिए व्यूअर इसको बॉयल आ गया है पानी को, अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने ऐड कर दिए इसमें, अब इसको कवर करते हैं जब तक इसका पानी ड्राई होता है।
देखिए जी, मैंने इसको बंद किया था और माशाल्लाह दम के लिए रेडी है। देखें कितने ज़बरदस्त, मैं इसमें थोड़ा सा कलर, ये ज़रदा कलर है, थोड़ा सा ऐड करूँगी। और ये मेरे पास है चिकंदर, इनको मैंने क्रश कर लिया है, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी। थोड़ा मिक्स करते हैं, अब इसको दम पे लगाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। देखिए 5 से 7 मिनट के लिए मैंने दम पे लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल, आप इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा पुलाव बना है, चिकंदर और चने का पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाएं और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।